Hello, my dear kids. I hope you all are fine. Our today's English topic is fill in the blanks with these or those. This is page number 40 of your English book. So let's start. My dear kids, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ locks हैं और एक boy है. अब आप देखिए जो locks हैं वो boy के पास में हैं और sentence देखते हैं हम. Blank space are लॉक्स. अब देखिए लॉक्स बॉय के पास में हैं और एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेंटेंस में हम दीज को फिल करेंगे. दीज आर लॉक्स. टी एच ई एस ई. सो माय डियर किड्स, नेक्स्ट पिक्चर देखिए. यहाँ पर एक गर्ल है और कुछ बलून्स हैं. बलून्स गर्ल से काफ़ी दूर हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे और ये एक से ज़्यादा भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे. सेंटेंस देखते हैं. ब्लैंक स्पेस आर बलून्स. दोज आर बलून्स. टी एच ओ एस ई. दोज आर बलून्स. टी एच ओ एस ई. दोज आर बलून्स. नेक्स्ट पिक्चर देखिए. यहाँ पर ड्रम्स हैं और एक बॉय है. अब देखिए ड्रम्स पास में हैं और एक से ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर दीज का यूज़ करेंगे. दीज आर ड्रम्स. ब्लैंक स्पेस देखिए यहाँ पर. आर ड्रम्स, तो यहाँ पर दीज आएगा. दीज आर ड्रम्स. टी एच ई एस ई. दीज आर ड्रम्स. अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए. यहाँ पर गर्ल है और काइट्स हैं. अब देखिए काइट्स दूर हैं और एक से ज़्यादा भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे. टी एच ओ एस ई. दोज आर काइट्स. नेक्स्ट देखिए. यहाँ पर चेयर है और एक बॉय है. अब जो चेयर्स हैं वो बॉय से काफ़ी पास में हैं और एक से ज़्यादा भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर दीज का यूज़ करेंगे. टी एच ई एस ई. दीज आर चेयर्स. दीज आर चेयर्स. अब देखिए यहाँ पर गर्ल है और बर्ड्स हैं. बर्ड्स गर्ल से काफ़ी दूर हैं और एक से ज़्यादा भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे. टी एच ओ एस ई. दोज आर बर्ड्स. देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे. एक बॉय दिखाई देगा. फ्लावर्स बॉय से पास में है और एक से ज़्यादा भी है, इसलिए हम यहाँ दीज का यूज़ करेंगे. टी एच ई एस ई. देखिए सेंटेंस देखिए. दीज आर फ्लावर्स. दीज आर फ्लावर्स. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पर. अब देखिए माय डियर किड्स, नेक्स्ट पिक्चर में एक गर्ल है और बटरफ्लाइज है. बटरफ्लाइज गर्ल से काफ़ी दूर है और एक से ज़्यादा भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे. दोज. टी एच ओ एस ई. दोज. टी एच ओ एस ई. दोज. सेंटेंस देखते हैं. दोज आर बटरफ्लाइज. टी एच ओ एस ई. दोज आर बटरफ्लाइज. नाउ माई डियर किड्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज और दोज. दिस इज पेज नंबर 41 ऑफ योर इंग्लिश बुक. सो लेट्स स्टार्ट. आप देखिए माई डियर किड्स, यहाँ पर आपको पिक्चर में बुक्स दिखाई देंगी और एक बॉय दिखाई देगा. बुक्स बॉय के पास में है. सेंटेंस देखते हैं. ब्लैंक स्पेस आर बुक्स. तो यहाँ पर हम दीज का यूज़ करेंगे. बुक्स पास में है और एक से ज़्यादा भी हैं, इसलिए हम यहाँ दीज का यूज़ करेंगे. टी एच ई एस ई. दीज आर बुक्स. दीज आर बुक्स. नेक्स्ट पिक्चर देखिए. यहाँ पर गर्ल है और यहाँ पर बॉल्स हैं. बॉल्स गर्ल से काफ़ी दूर है और एक से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ दोज का यूज़ करेंगे. दोज आर बॉल्स. टी एच ओ एस ई. दोज आर बॉल्स. माय डियर किड्स, देखिए यहाँ पर टॉप्स हैं और एक बॉय है. टॉप्स बॉय से पास में है. टॉप्स बॉय के पास में है और एक से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ दीज का यूज़ करेंगे. दीज आर टॉप्स. टी एच ई एस ई. दीज आर टॉप्स. अब नेक्स्ट देखिए माय डियर किड्स, यहाँ गर्ल है और बैल्स हैं. बैल गर्ल से काफ़ी दूर है और एक से ज़्यादा भी है, इसलिए हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे. टी एच ओ एस ई. दोज आर बेल्स. सेंटेंस देखिए. दोज आर बेल्स. सो माय डियर किड्स, आप देखिए यहाँ पर ट्रीज बॉय के पास में है और एक से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर दीज का यूज़ करेंगे. दीज आर ट्रीज. टी एच ई एस ई. दीज आर ट्रीज. नाउ माय डियर किड्स, आप देखिए यहाँ पर गर्ल है और माउंटेन्स है. माउंटेन्स दूर हैं और एक से ज़्यादा भी हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे. टी एच ओ एस ई. दोज आर माउंटेन्स. नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इरेजर है और बॉय है. इरेजर बॉय के
पास में है और एक से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर दीज का यूज़ करेंगे। दीज आर इरेजर्स, टी एच ई एस ई, दीज आर इरेजर्स। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर गर्ल है और शार्पनर्स है, शार्पनर्स काफ़ी दूर है और एक से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर दोज का यूज़ करेंगे। दोज आर शार्पनर्स, टी एच ओ एस ई, दोज आर शार्पनर्स। सो माई डियर किड्स, आई होप फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज और दोज आर क्लियर टू यू। वी विल सून मीट विद अ न्यू टॉपिक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू प्रैक्टिस इट एट योर होम।